Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Hello दोस्तों, welcome back to my channel. और आज के इस वीडियो पे हम लोग जो है Hindenburg versus अदानी के शेयर्स जो आपने न्यूज में देखा होगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस न्यूज के ऊपर पे। अगर आपने ये न्यूज कहीं देखा होगा सुना होगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये जो अदानी का ग्रुप है वो प्लान कर रहा है $84 बिलियन का वो स्पेंडिंग कर रहा है इंफ्रा में, ऐसा कुछ हमें न्यूज़ देखने को मिला है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो देखो न्यूज़ के बारे में ना मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं उसमें एक रुपए का भी यकीन नहीं रखता हूँ, एक रुपए का भी मैं ट्रस्ट नहीं करता ये सब न्यूज़ वगैरह में। स्पेशली ये न्यूज़ को इस तरीके से सर्कुलेट किया जाता है कि हम जैसे रिटेल ट्रेडर को एक भरोसा होता है कि हाँ अभी ये स्टॉक यहाँ से चलने वाला है। इसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। चलिए मैं आपको एक अदानी के स्टॉक दिखा देता हूँ अगर अवेलेबल हो तो। वैसे हालतर मैं ज़्यादातर मैं अदानी के स्टॉक्स में देखता नहीं हूँ, बट स्टिल मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अदानी के जो स्टॉक्स हैं उसमें किस तरीके से प्राइजेक्शन बनता है कैंडल में, किस तरीके से हमें जो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हमें क्या देखने को मिलता है। तो अगर आपको मैं ये मंथली पे डायरेक्टली लेके चलूँ तो आपको शायद तक कुछ चीज़ें यहाँ से समझ ही नहीं आए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए प्राइस अगर यहाँ पे अगर आपने देखा जो Hindenburg ने कहा था ये बबल बाइंग हो रहा है इस स्टॉक पे, देखिए कुछ टाइम से लगभग यहाँ पे आप देखोगे 2015 पे एक बार थोड़ा सा हमें यहाँ पे हाई देखने को मिला था 600 के आसपास, बट वापस से यहाँ पे एक सेलिंग हमें देखने को मिला जो कि एक पूरा ये जून का महीना एकदम सेलिंग था। उसके बाद यहाँ से जो 89 के आसपास से यहाँ पे काफ़ी टाइम साइडवेज किया है, कम से कम अगर आप बोलेंगे 2015 से 2020 जब तक कि कोविड नहीं आया था, फिर कोविड में इस तरीके से जो बाइंग उठा यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ ना सपोर्ट ना रेजिस्टेंस, यहाँ जो बाइंग उठा अब यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली। देखिए 80 रुपये का शेयर जो था यहाँ पे 162 के आसपास यहाँ पे प्राइस चल रहा था, बट 162 से यहाँ पे अगर आप देखोगे 4000 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिला। उसके बाद जो Hindenburg का जो रिपोर्ट आया था वहाँ से इस तरीके से हमें बड़ा बड़ा रेड कैंडल सेलिंग हमें देखने को मिला, उसके बाद थोड़ा सा हमें रिकवरी देखने को मिला, फिर यहाँ से अभी साइडवेज कर रहा है। बट अगर हम इसको और थोड़ा सा डेली में क्रैक करने का कोशिश करें तो यहाँ पे भी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। देखिए अगर हम बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस के तो यहाँ पे ना आपको सपोर्ट दिखाई देता है ना रेजिस्टेंस दिखाई देता है, कुछ भी यहाँ पे दिखेगा नहीं। देखिए अगर आप इसको बोल रहे हो कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा हल्का ब्रेक होते हुए हमें नज़र आ रहा है, फिर यहाँ से जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है इसको भी ब्रेक कर दे रहा है, तो यहाँ पे ना सपोर्ट सही से काम कर रहा है ना रेजिस्टेंस सही से काम कर रहा है। तो अगर जिस स्टॉक में सही तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है इसका मतलब वो स्टॉक में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा व्यू है, इसके अंदर में और क्या होगा क्या नहीं होगा उसको मैं आपके साथ वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे जो लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं इतना तो गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर, ठीक है गारंटी की मैं बात करूँ, इतना तो मैं ये बोल सकता हूँ इस स्टॉक का जो बिहेवियर है, इस स्टॉक का जो प्राइजेक्शन है वो मैं इतना बोल सकता हूँ कि इस स्टॉक में रिटेल ट्रेडर कभी पैसा नहीं बनाए होंगे अगर वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे होंगे तो। तो वही बात हुआ कि अगर हम इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, कभी भी कुछ भी काम नहीं करता है, कुछ भी न्यूज़ बाहर आता है तो इस तरीके से आपको बाइंग देखने को मिलता है, तो आप ऐसा कौन सा पॉइंट ढूंढोगे कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोचे, बाय करने का सोचे। यहाँ पर अगर हम प्राइजेक्शन की बात करें कुछ भी ऐसा लेवल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप ये जो कैंडल का मूव देख रहे हो जो कि 28 नवंबर को हमें मूव देखने को मिला था, इसमें भी एक न्यूज़ निकला होगा आपने अगर देखा होगा कि कोर्ट ने खारिज कर दिया, अदानी के खिलाफ कुछ भी हमें सबूत नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं था, इसके वजह से यहाँ पे जो भी Hindenburg के जो रिपोर्ट्स थे उसको खारिज कर दिया गया और इसके ऊपर पे जो क्लीन चिट मतलब कि सब कुछ जो है वहाँ पे अदानी को छोड़ दिया गया कि हाँ सब कुछ चलो ठीक है। तो ये सारे रीज़न होते हैं कि
हमें कोई भी एग्जैक्ट लेवल नहीं पता है। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ बाकी शेयर्स डिस्कस करता हूँ, जो प्राइज एक्शन होता है वहाँ पे किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ हमें देखने को मिलता है प्राइज एक्शन। बट अगर हम इस तरीके का स्टॉक्स की अगर बात करें, अदानी एंटरप्राइजेस हो गए, अदानी पोर्ट्स हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो वहाँ पे हम लोग को कुछ भी प्राइज एक्शन ठीक से सही तरीके से काम करते हुए हमें नहीं देखने को मिलता है। हाँ, और एक स्टॉक है ACC, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ACC पे मुझे थोड़ा सा प्राइज एक्शन देखने को मिला था, उसमें मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली डिस्कस किया था इस ACC में क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर आप देखोगे, मैं बहुत पहले से आपको मैं कह रहा था कि ACC में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं ये ACC अदानी के शेयर्स के रिगार्डिंग रिलेटेड करते हैं, फिर भी स्टिल इसमें हम लोग प्राइज एक्शन रीड कर सकते थे, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये ACC का जो शेयर है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और एक स्टॉक है जिसका नाम है ATGL, अगर आप यहाँ पर टाइप करोगे, जिसमें कि ये नाम निकल के आ रहा है अदानी टोटल गैस लिमिटेड। इसका तो दूर दूर तक कुछ आपको प्राइज एक्शन समझ भी नहीं आएगा। इसमें आपको एक मिनट के लिए मंथली पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे करीबन ये स्टॉक था 2018 में लॉन्च हुआ था, जबकि प्राइस था 71। उसमें भी अचानक 2020 में ऐसा अचानक बाइंग क्रिएट हुआ। अगर आप देखोगे पूरा हर एक मंथली में अच्छा खासा बाइंग, और इसको देखिए 4000 तक इसको भी स्टॉक पहुंचा दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे भी डाउट है, इसीलिए मैं कभी भी अपने वीडियोज़ पर इसका एनालिसिस आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं करता है। मैं हमेशा अदानी के जितने भी शेयर से मैं हमेशा दूरी बनाए रखता हूँ, और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं कि थोड़ा सा सावधान रहिएगा इस स्टॉक में, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कहीं ना कहीं इसको मतलब कि ऑपरेट कहीं चलाया जा रहा है, मुझे जो लगता है। जो भी अगर प्रेडिक्शन इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ इस स्टॉक में गड़बड़ है, ये मैं कह सकता हूँ। अगर बाकी स्टॉक में मुझे प्राइजेक्शन समझ आ रहा है, अगर मेरा एनालिसिस सही जाता है, मेरा वहाँ पे जो भी मैं आपके साथ रिसर्च शेयर करता हूँ वो अगर सही जाता है, तो फिर इसमें क्या गड़बड़ी है। इसमें अगर आप प्राइजेक्शन देखोगे, ये क्या भाई, ये कौन सा कैंडल आप यहाँ पर देख रहे हो, मतलब प्राइज़ नीचे आते हुए कुछ ऐसा, मतलब सीढ़ी बनाते हुए प्राइज़ नीचे आ रहा है, किस तरीके से ये मतलब कैंडल फॉर्मेशन की आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारी रीज़न होती है एक ट्रेडर को पहचानना, कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से स्टॉक्स को देखोगे, नोटिस करोगे, तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा कि हमें कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ काम नहीं करता है, कुछ प्रोजेक्शन आप चाहे कोई भी इंडिकेटर डाल दो, कुछ भी कर दो, ये आपको स्टॉक समझ में ही नहीं आएगा। और बाकी अगर मैंने ब्रिटानिया आपके साथ शेयर किया था, उस पर अगर हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी अच्छे हम लोग को वहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को मिला है। मैं आपको एक बार के लिए चार्ट पे लेके चलता हूँ, जो ये डेली टाइम फ्रेम है, जिसमें कि मैंने आपको कहा था कि 4652 के ऊपर हम लोग को अगर यहाँ पे देखिए मार्किंग भी हमें देखने को मिल रहा है, एक बार इसके ऊपर अगर क्लोजिंग जाता तो बहुत अच्छा हमें मूव देखने को मिलेगा। और हूबहू आप यहाँ पे देखो बैक टू बैक यहाँ पे हम लोग को बाइंग अच्छे तरीके से देखने को मिला है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी स्टॉक में ना प्राइजेक्शन समझ में आ रहा है, उस स्टॉक को अच्छे से प्लान कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए, बट अगर जो समझ नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ये जो न्यूज़ वगैरह आप देख रहे हो, ये अदानी इसमें इन्वेस्ट करने वाला है, उसमें इन्वेस्ट करने वाला है, अदानी ग्रुप्स के ये कॉल होने वाले हैं, वो कॉल होने वाले हैं, कभी ये सब पे यकीन मत करना, क्योंकि ये एक होप क्रिएट करता है हम जैसे रिटेल ट्रेडर के मन में कि हाँ अभी ये स्टॉक उड़ने वाला है, चलने वाला है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो इस सब चीज़ों पे ना फंसे, खुद के एनालिसिस पे यकीन रखे, खुद पे जो प्राइज एक्शन है उसको खुद सीखे रीड करने का, फिर उसके बाद देखिए आपको ये कोई भी न्यूज़ नहीं हरा सकता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे, और अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए खुला हुआ है, आप कमेंट करके वहाँ पे हमें बता भी सकते हो।